हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। तो ये जो वीडियो रहने वाली है, ये कट ऑफ की रहने वाली है। आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास मैसेज और फ़ोन कर रहे थे कि सर कट ऑफ की वीडियो लाइए, कट ऑफ की वीडियो लाइए, कब ला रहे हैं। तो आप सबको पता होगा, मैंने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया हुआ था, जो एक सर्वे था आप लोगों के लिए, जिसमें आपका नाम फिल करना था, आपका मोबाइल नंबर फिल करना था, और आपके स्कोर आंसर के मिलाने के बाद, किसी भी यूट्यूब चैनल से आपने मिलाया होगा, तो प्लस माइनस 5 का जो है ऊंचा नीचा हो सकता है। तो उस सर्वे का पूरा डाटा जो है, कितने कैंडिडेट ने सर्वे जो है में पार्टिसिपेट किया, कितने हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि 90 के पार कितने स्टूडेंट हैं, किस कैटेगरी में, ओबीसी में 70 प्लस कितने स्टूडेंट हैं, तो ये सारा डाटा हमने यहाँ पे लिख रखा है। और लास्ट में जो हम कट ऑफ बताएंगे, वो कट ऑफ जो है वो जेन्युइन कट ऑफ रहेगी। इसलिए हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया कि थोड़ा सा वेट लाते हैं, वेट करके वीडियो लाते हैं, बट जैसा भी लाते हैं दुरुस्त लाते हैं। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म क्रिएट किया गया था, ये 4 जुलाई को जो है, हमने कल सुबह, यानी कि आज वीडियो अपलोड हो रही है, अगर शाम को, 5 जुलाई है आज, तो हमने कल 4 जुलाई को जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में फॉर्म क्रिएट किया था ये। उसके बाद विभिन्न ग्रुप्स में हमने भेजे, जिसमें 300 बंदे जो है, 300 स्टूडेंट्स कम से कम पार्टिसिपेट किए, ठीक है। उसके बाद 5 जुलाई को, अभी जो है शाम को हमने जब डाटा कलेक्ट किया है, तो 5 बजे के आसपास हमने क्या किया, ये डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग लगभग 24 घंटा और प्लस 6 से 7 घंटा और तक हमने जो है सर्वे को ओपन करके रखा। जो कंपटीशन रहा, 30,000 कैंडिडेट के आसपास बैठे, बट जो कंपटीशन है वो 5 से 6,000 बच्चों के बीच में रहा है, जिसमें से 300 स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, वो उन्होंने जो है पोल पे, सर्वे पे जो है भाग लिया हमारे। तो अब जो हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे, वो 0.5 के रेशियो में करेंगे। वैकेंसीज वाइज कितनी वैकेंसी आपकी कैटेगरीज वाइज हैं, और उसके बाद क्या कट ऑफ जा सकती है आपकी। तो वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा डाटा भी आपके सामने हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो 300 हमने आपको बताया कि 300 प्लस कैंडिडेट्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 50.8% जो कैंडिडेट थे वो ओबीसी के थे, यानी कि अन्य पिछड़ी जाति के कैंडिडेट्स थे, ठीक है। तो ओबीसी की जो वैकेंसी थी असिस्टेंट बोइंग टेक्नीशियन की, जो नोटिफिकेशन हमने जब इसका देखा फिर से, तो उसमें ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 129 वैकेंसी है, ठीक है। अगर आप लोग इसको पूरा देखना चाहते होंगे, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा डाटा आपको भी भेज दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, या फिर जैसे भी आप कहेंगे, तो मैं अगली वीडियो में पूरा आपको डाटा का वीडियो जो है पूरा बना दूंगा, ठीक है। 1 से 2 दिन में हो सकता है और भी सर्वे आ जाएँ। तो ओबीसी के जो है 50% कैंडिडेट जो है वो ओबीसी के हैं। तो आप लोग ओबीसी कैटेगरी का ये आंकड़ा मत लगा के चलिएगा कि जनरल से जो है बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली हमारी, ठीक है। और वैकेंसी कितनी थी, सिर्फ 129। वहीं पे यूआर के कैंडिडेट, यानी कि जनरल के कैंडिडेट, सिर्फ 25% हैं, और वहीं पे उनके लिए वैकेंसी जो है रखी गई है वो 248 रखी गई है, वो सभी के लिए होती है। कुछ लोग जो है ओवरलैप करते हैं ओबीसी से, एसटी से, एससी से, तो वो सबके लिए होती है, बट यहाँ पे वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, ठीक है। उसके बाद एससी के जो कैंडिडेट थे वो 14% जो है पार्टिसिपेट किए, जिसमें से वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए 101 वैकेंसी जो है वो एक्सपेक्ट की गई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के मात्र 7% कैंडिडेट्स जो है हमारे पास मिले हैं। अभी ईडब्ल्यूएस का कितना मैक्सिमम मार्क्स है, जनरल का कितना मैक्सिमम मार्क है, ओबीसी का कितना मैक्सिमम मार्क है, आपको बताते हैं, ठीक है। अब जो ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है, वो उस समय बंटवारा नहीं किया गया था जब इसका नोटिफिकेशन निकला था, बट उसके नीचे एक लाइन में लिखा गया है कि जो भी वैकेंसीज है उसका 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस को जाएगा। तो 48 वैकेंसी लगभग जो है वो आपकी टोटल वैकेंसी, जैसे ओबीसी की वैकेंसी हो गई 129, उसके साथ साथ यूआर की वैकेंसी हो गई 248, तो उन्हीं में से कट कट के क्या है, 48 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस को, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए जो है वो हस्तांतरित की जाएगी। उसके साथ साथ गर्ल्स के लिए जो है, महिलाओं के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है, तो उनकी जो वैकेंसीज है वो 97 वैकेंसी वहाँ पर बताई गई है, ठीक है। उसके बाद एसटी की जो वैकेंसी है वो 8 वैकेंसी है। तो ये जो है, ये नंबर आप पोस्ट आपको पता चल गया होगा, पीछे का बैकग्राउंड आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं अपने गांव आया हुआ हूँ। तो जो सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है वो ईडब्ल्यूएस का, भी मैं बात करता हूँ, सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है 88 मार्क्स, ठीक है। अभी मैं टॉपर का नाम भी बताऊँगा जो हमारे हिसाब से जो है सबसे हाईएस्ट स्कोर लाए हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस में 88 स्कोर लाए हैं अंकुश कुमार जी, ठीक है। उसके साथ साथ विनय कुमार यादव जी ओबीसी, 98 नंबर इनका है, ठीक है। इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं गए होंगे, 98 भी हमको अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है कि 98 नंबर ना आए, ठीक है। उसके बाद ये जेन्युइन नंबर लगे हैं, इसलिए हमने इनको जो है इंक्लूड किया है। विमल कुमार हैं जो एससी से हैं, उनका जो है 82 नंबर जो है कट पिट के आ रहा है, ठीक है। अमन कुमार यूआर कैंडिडेट, 100 मार्क्स, ठीक है, इससे ज़्यादा जो है कोई नहीं है। 100 यूआर में कई सारे कैंडिडेट हैं, 23 कैंडिडेट यूआर में हमको मिले हैं जो 70 प्लस हैं, ठीक है, जिसमें से 100 है एक बंदे का,
एक का 97 है, उसके बाद बाकी सारे 85, फिर क्या हो जाते हैं 80 के अंडर में जाते हैं, 78, 75, 74, यानी कि इधर साइड जो है वो भीड़ लगना शुरू हो जाती है। वहीं पे एससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 20 कैंडिडेट हमको मिले हैं जो 60+ हैं, ठीक है। तो 60+ जो है वो एससी के कैंडिडेट हैं, और एससी का जो टॉपर रहा है वो 82 नंबर लाया है, जैसे कि हमने आपको बताया भी अभी, विमल कुमार। तो 82, 80, 75, 70, 68, उसके बाद जो है वो सब कहाँ आ गए हैं, 65 के अब आ गए हैं, ठीक है, 65 के आसपास। वहीं पे गर्ल्स की अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो लड़कियों का जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही कमज़ोर रहा है, 57 सबसे मैक्सिमम मार्क्स रहा है, उसके बाद 52, 53, 54, 50 ऐसे मार्क्स आए हैं, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 98, 87 और 85 जो है वो तीन कैंडिडेट्स का मिला है हमको, 93 भी मिला है, 90 मिला है, 82 और 42 कैंडिडेट हमको ऐसे मिले हैं जो कि 70+ हैं, किसमें, ओबीसी में, ठीक है। तो ये सब डाटा जो है अभी मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ, अगर मैं इसको बोर्ड होता मेरे पीछे, व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं आपको लिख के बताता तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाते, ठीक है। बट यहाँ पे हम आपको ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, अब आते हैं हम लोग अपनी कट ऑफ पे। तो ये जो कट ऑफ रहने वाली है ये एक्चुअल रहने वाली, इससे बहुत सारे लोग जो है कैंडिडेट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, तो हो सकता है वो चैनल को डिससब्सक्राइब कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें, या चैनल को डिसलाइक कर दें, हो सकता है। बट मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा, जो भी कट ऑफ रहने वाली एक्सपेक्टेड, उसको आप 5 मार्क्स जो है आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि अभी आंसर की आएगी तो कुछ 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट भी होंगे, ठीक है, जिसमें से 4 से 5 नंबर सभी के बढ़ेंगे। तो जो यूआर की कट ऑफ रहने वाली है, अगर आपका 70+ मार्क्स है, एकदम एक्चुअल बता रहे हैं, अगर आपका 70+ मार्क्स है यूआर कैंडिडेट्स का, 70 से 74 मैंने लिखा हुआ है, बट अगर आपका 70 मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ समझें, और अभी जो है जो भी आपके फ्यूचर में एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग लग जाइए, इसके लिए बिल्कुल आराम से निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। ओबीसी में है अगर आप, तो 68 से हमने 72 लिखा हुआ है, 68 से 72 तक हमने इसका रेंज लिखा हुआ है, बट आपका 68 के प्लस है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी ऐसे हैं जिनसे हमारी अभी बात हुई है, एक मुगल सराय के हैं, हीरा कुमार जी हैं, कई सारे लोगों का हमको नाम याद है, एक पाल जी हैं, तो वो सब क्या है इसके रेंज में आ रहे हैं, तो आप लोग क्या है अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का क्या है कि उस समय ईडब्ल्यूएस जो था वो बहुत कम कैंडिडेट्स के पास था, और ईडब्ल्यूएस की जो एंट्री हुई हमारे सर्वे में वो बहुत ही कम हुई है, तो ईडब्ल्यूएस जो है वो ओबीसी से भी नीचे चला जाएगा, जनरली ओबीसी के आसपास ही रहता है ईडब्ल्यूएस, बट हमने ईडब्ल्यूएस का इंक्लूड किया है यहाँ पे। अगर आपका 65 और 66 के आसपास है तो जो है अपने आप को आप सेफ समझें, ठीक है। उसके बाद अगर एससी की बात करें तो एससी का अगर आपका 60 के अराउंड है, ठीक है, 60 से 1 मार्क्स कम है, 60 है, 61 है, उसके प्लस है तो कोई बात ही नहीं है, बट 60 है और आप एससी कैंडिडेट्स हैं तो अपने आप को जो है आप फिक्स मान के चलें, ठीक है, आप जो है इस दौड़ में, इस रेस में आप पीछे नहीं हैं। उसके बाद गर्ल्स की बात करें तो अगर आपका 55+ है, जैसा कि एंट्रीज़ कम हुई हैं गर्ल्स की, एंट्रीज़ भी कम हुई हैं और मार्क्स भी जो है गर्ल्स के जो है बहुत काफ़ी जो है वो ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, ऐसा हमको लग नहीं रहा था कि गर्ल्स का इतना जो है घटिया परफॉर्मेंस रहेगा, बट जो प्रियांशी हैं 57 मार्क्स लाई हैं, टॉपर हैं हमारे सर्वे की वो, उसके साथ साथ गर्ल्स की अगर आप 55 के प्लस जो है आपका बन रहा है स्कोर, तो आप मान के चलते हैं अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। एसटी की बात करें, एसटी की जो सीट है वो बहुत कम रखी गई है, 8 जो है सीट बताई गई है, बट एसटी की कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जाती है, बहुत ही लो जाती है, सभी लोग जानते होंगे। तो एसटी को हमने जो है वो गर्ल्स के आसपास ही रखा है, यानी कि 54-55 के आसपास है अगर आपका, तो आप अपने आप को जो है इंक्लूड कर सकते हैं कि आप इस रेस में हैं। तो आई होप आपको ये सारा डाटा समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं आगे जो है ऑन स्क्रीन फिर से एक वीडियो बना दूंगा ये पूरे डाटा का स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। फिर भी कट ऑफ जो है आपको क्लियर हुआ होगा, काफ़ी सारे लोग इससे बाहर रह गए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे नीचे जो है उसका नहीं होगा, लेकिन इसके आसपास या इसके ऊपर जिसका है वो अपने आप को क्लियर समझे 99%। मैं हमेशा कोई भी न्यूज़ देता हूँ तो 99% ही बताता हूँ, 1% मैं आयोग के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़। और जो भी चीज़ें हमने अभी तक आप लोग जुड़े होंगे तो पता ही होगा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिटर और वेल्डर की क्लास DRDO और रेलवे के लिए जो है वो परमानेंट जो है अब चलने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर कुछ भी जो है आपको समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर हम लाइव आते हैं, आपका कोई डाउट है तो वहाँ से जो है आप वीडियो कॉल से हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जो है चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑन स्क्रीन इस डाटा को मैं लेके आऊँगा और आपको जो है क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो इसको जो है मैं कम से कम जो है 3 से 4 घंटे काफ़ी अच्छे से बनाया हूँ, एनालिसिस किया हूँ, क्योंकि बहुत सारा डाटा था, हमने सबका उसमें नाम लिखा, कितना किसके प्लस के पहुँच रहा है, किसके आसपास पहुँच रहा है, तब जाकर के सर्वे तैयार हुआ है, ठीक है।
तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों।